के सभी कार्यकर्ता मित्रों, आज हम लोग एक संवाद करेंगे कार्यकर्ता की जवाबदारी क्या होनी चाहिए। इस दृष्टि से मैं कुछ आपसे कहूंगा और आपको प्रश्न पूछने की भरपूर छूट है। हमारे भारत में कोई भी सामाजिक कार्य करने के पहले दो तीन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और प्रत्येक कार्यकर्ता को वो बात समझने की आवश्यकता है कि भारत जिस देश में हम काम करते हैं, जिस देश के समाज में हमें कुछ करना है और हमारा कुछ उद्देश्य है कि हमारा समाज व्यसन मुक्त होना चाहिए, इस काम को करने वाले कार्यकर्ताओं के क्या क्या गुण होने चाहिए, उस दृष्टि से मैं दो तीन बातें कहता हूँ। सबसे बड़ा गुण जो किसी भी कार्यकर्ता में होना चाहिए वो बहुत धैर्यशील होना चाहिए, धीरज उसमें बहुत होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य करने के लिए आप निकले हैं ये जल्दी होने वाला नहीं है। अगर महाराष्ट्र राज्य को व्यसन मुक्त बनाना हो तो ये 2-5 वर्ष में नहीं होने वाला, 20-25 वर्ष लगेगा। अब 20-25 वर्ष क्यों लगेगा, उसका कारण है कि भारत में कोई भी काम जल्दी नहीं होता, शीघ्र नहीं होता। यहाँ हर कार्य धीरे 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 होता है। क्यों, कारण क्या है? आप कहोगे यहाँ के मानस, यहाँ के मनुष्य आलसी हैं, इसलिए धीरे धीरे करते हैं। आलस से नहीं है, प्रकृति हमारी ऐसी, भारत की जो प्रकृति है ना, जो वातावरण है, पर्यावरण है, जो हमारा मौसम है, जलवायु है, वो ऐसी है कि धीरे कार्य करना ही हमारे लिए अच्छा है। क्यों, फिर कारण उसका, हमारे देश का वातावरण ऐसा है कि संपूर्ण एक वर्ष कोई भी दिन सूर्य का प्रकाश रहता है। सूर्य का प्रकाश रहता है तो गर्मी रहती है संपूर्ण एक वर्ष। कोई दिन आपने ऐसा देखा जब सूर्य प्रकाश ना हो? ये एक वर्ष में कोई एक या दो दिन होता है, बाकी संपूर्ण वर्ष सूर्य का प्रकाश रहता है। सूर्य का प्रकाश हमको गर्मी देता है, तपन होती है उसमें, तो उसमें शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर पे पड़ता है ना, तो बाहर से वो गर्म करता है, अंदर से अपना शरीर भी गर्म करता है, दोनों का बहुत झगड़ा चलता है, अंदर की गर्मी बाहर की गर्मी। और गर्मी का समय जब होता है तब तो और भी ज्यादा तकलीफ होती है, तो इसमें ऊर्जा बहुत खर्च होती है शरीर से। ठंडी के समय में जास्ती ऊर्जा खर्च नहीं होती, गर्मी में ऊर्जा जास्ती खर्च होती है, क्योंकि बाहर की जो गर्मी है अगर वो शरीर में प्रवेश कर गई तो हमारा जीवित रहना मुश्किल है। इसलिए शरीर के अंदर की जो व्यवस्था है, जिसको हम हमारे शरीर की प्रतिकारक शक्ति व्यवस्था कहते हैं, वो हमारे शरीर को अंदर से ठंडा रखने की कोशिश करने में बहुत ऊर्जा खर्च करती है, और ऊर्जा जास्ती खर्च होने से थकान जल्दी आती है। तो अगर हम कोई भी कार्य ज्यादा तेज करेंगे तो जल्दी थकेंगे, थक जाएंगे तो जीवन कम होता है, आयुष्य कम होता है। आपको मैं एक दो तीन उदाहरण से ये बात समझाता हूँ। आपको माहिती है भारत देश में पीटी उषा नाम की महिला है, क्या करती है वो? दौड़ती है। और कितना दौड़ती है? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। 400 मीटर माने 1 किलोमीटर से कम, उतना दौड़ती है, लेकिन बहुत तेज दौड़ती है, ये आपको माहिती है। 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ती है, 22 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है, और लगभग 44 सेकंड में 400 मीटर दौड़ती है। लेकिन आपको माहिती है अभी वो रिटायर हो गई, संन्यास हो गया। उम्र कितनी है? मुश्किल से 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया, क्यों? शरीर थक गया। मात्र 35 वर्ष में शरीर थक गया, शरीर को तो 70 वर्ष चलना चाहिए, 80 वर्ष चलना चाहिए। हमारे भारत में जो सामान्य वय है वो 70-80 वर्ष है, तो पीटी उषा को 70-80 वर्ष चलना चाहिए, 35 वर्ष में संन्यास ले लिया, माने आधी उम्र में ही संन्यास ले लिया। क्यों? क्योंकि जीवन के पूर्वार्ध में बहुत ज्यादा तेज गति से जो दौड़ने का काम किया, शरीर की ऊर्जा उसमें चुक गई, मांसपेशियां शिथिल हो गई। अभी पीटी उषा क्या करती है? बच्चों को पढ़ाती है, अध्यापक हो गई है, केरल के एक स्कूल में पढ़ाती है। पहले खुद दौड़ती थी, गोल्ड मेडल लाती थी, सिल्वर मेडल लाती थी, लेकिन अभी तो रिटायर है, संन्यास्त है, अध्यापक है, बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि अभी वो दौड़ नहीं सकती। कारण क्या है? शरीर की क्षमता से ज्यादा कभी भी अगर आप काम करो तो शरीर थक जाता है, फिर उसके बाद नहीं चलता। और ये कहानी पीटी उषा की नहीं है, सभी की है। आपको माहिती है वो क्रिकेट पटु कपिल देव, अभी क्रिकेट नहीं खेलता, रिटायर हो गया,
कितनी वर्ष की उम्र में, 36 वर्ष की उम्र में रिटायर हुआ कपिल देव। क्यों? थक गया, इतना तेज बॉलिंग किया उसने, पूरा शरीर खलास हो। जवागल श्रीनाथ क्रिकेट पटु है, वो भी थक गया, 33 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। क्यों? बहुत तेज बॉलिंग किया, अब शरीर खलास हो गया। जितने भी क्रिकेट पटु, फुटबॉल पटु, हॉकी पटु, जिनको भागना बहुत पड़ता है, वो 35 वर्ष की उम्र में बेकार हो जाते हैं, शरीर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा दौड़ा भागा कि शरीर की ऊर्जा जो रहनी चाहिए थी वो खलास हो गई, अब शरीर की ऊर्जा नहीं है, जीवन नहीं चल पाता। इसलिए क्यों भारत का वातावरण ऐसा है, पर्यावरण ऐसा है, यहाँ तापमान इतना जास्ती है, गर्मी इतनी जास्ती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो ऐसे पर्यावरण वातावरण में रहने वाले लोगों को सब काम धीरे 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 करना चाहिए। हमारे भारत में अगर हम धीरे धीरे काम करेंगे तो जास्ती आयुष्य तक काम कर सकते हैं, तेजी से काम करेंगे तो हम भी थक जाएंगे। तो भारत के पर्यावरण और वातावरण को ध्यान में रखकर हमें काम करने की आवश्यकता है। अब जरा हमारे पर्यावरण वातावरण की दो तीन माहिती। एक तो सतत सूर्य है, सूर्य जलाता है, सबको तपाता है, और सूर्य की तपन से बचने के लिए शरीर का बहुत कुछ खर्च हो जाता है। जब घाम निकलता है ना, पसीना, तो ऊर्जा खर्च होती है अंदर की, इसलिए पसीना बाहर निकलता है। खाने में जैसे किसी भोजन को पकाते हैं ना, चूल्हे में रख के आग जलाते हैं, आग से तपता है तो उसमें भी घाम निकलता है भोजन में, जिसको हम वाष्प कहते हैं। ऐसे ही शरीर में होता है, शरीर में भी सतत तपन जलन चलता रहता है। अगर हम ज्यादा तेज काम करेंगे तो ज्यादा अंदर से शरीर में ऊर्जा खर्च होगी, और ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी तो थोड़े दिन में थक जाएंगे, आपको तो संन्यास होना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो जास्ती दिवस अगर काम करना है तो हड़ू हड़ू, धीरे धीरे, तेजी से काम कुछ भी नहीं करना, नहीं तो थक जाएंगे। भारत के बारे में बहुत लोग कहते हैं यहाँ के शेतकरी आलसी, काम धीरे करते, आलसी नहीं है, बहुत बुद्धिमंत है, अक्ल है उनको, इंटेलिजेंसी। क्योंकि भारत का वातावरण ऐसा नहीं है कि यहाँ तेजी से कुछ भी किया जाए, तेजी से करेंगे तो उनको भी 35 वर्ष में संन्यास होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा, फिर खेती कौन करेगा। यूरोप के देश में, अमेरिका के देश में वातावरण बिल्कुल अलग है, वहाँ ठंडी बहुत जास्ती, एक वर्ष में 9 महीने सतत ठंड होती है, सूर्य प्रकाश नहीं होता, तापमान 0 डिग्री और उससे नीचे होता है, 0 से भी नीचे। इस समय अमेरिका में तापमान 0 से नीचे 5 डिग्री है, -5 डिग्री इस समय, आज, कल, परसों, रोज। तो जहाँ तापमान बहुत कम होता है वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो उनको तपन नहीं होती, तो उनकी ऊर्जा इतनी खर्च नहीं होती, वो तेजी से काम करें तो चलता है। इसलिए यूरोप के देशों में जो भी कुछ खोज हुई है ना, वो सभी तेज 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 गति वाली है। जैसे फुटबॉल का खेल वो खेलते हैं क्योंकि उसमें तेजी है, हॉकी तेजी है, क्रिकेट तेजी है, लॉन टेनिस बहुत तेज खेल है, टेबल टेनिस बहुत तेजी है, बैडमिंटन बहुत तेजी है, तो वहाँ तेजी वाले खेल है। और सवेरे से शाम तक खेलो तो भी ज्यादा तकलीफ की स्थिति नहीं है क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना जास्ती नहीं है। भारत के खेल धीमे धीमे खेलने वाले, स्लो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जास्ती। देखो दुनिया में सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, सबसे बड़ी खोज क्या है, वो है पहिया, व्हील। सबसे पहले भारत में इसकी शोध हुई व्हील के, लेकिन हमने व्हील से, पहिए से बड़द गाड़ा बनाया, बैलगाड़ी, और यूरोप के देशों ने मोटर गाड़ी बनाई। हमने बड़द गाड़ी क्यों बनाई? धीरे धीरे, हड़ू हड़ू, धीरे धीरे जाने का। उन्होंने मोटर गाड़ी क्यों बनाई? तेजी से जाने का, क्योंकि उनको वो परवड़ता है तेजी से जाना, हमको नहीं परवड़ता, इसलिए हम बड़द गाड़ी में धीरे धीरे जाते। अभी हम कहेंगे देखो ये बड़द गाड़ा चलाता, कितना मूर्ख आदमी है, मूर्ख हम है, वो तो बहुत अकल वाला है, क्योंकि भारत की प्रकृति और भारत के पर्यावरण को ध्यान में रखकर वो धीरे धीरे बड़द गाड़ा चलाता है। अभी बड़द गाड़ा धीरे चलाओगे जास्ती दिवस तक चलेगा, बैल भी काम करेंगे, उसको तेजी से दौड़ाओगे 2-5 साल में बैल खलास हो जाएंगे, बड़द गाड़ा भी टूट जाए। तो भारत में कोई भी काम करना है तो धीरे होता है, इसलिए हर कार्यकर्ता को धैर्यशील होना बहुत आवश्यक है। यहाँ कुछ जल्दी नहीं होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कल्पना है कि हम 2 साल में महाराष्ट्र में क्रांति कर देंगे, 10 साल में भारत में क्रांति, नहीं होने वाला। महात्मा गांधी जैसे आदमी को 35 वर्ष लगा क्रांति कर, आप तो महात्मा गांधी नहीं है, उसको 35 वर्ष, और महात्मा गांधी को 35 वर्ष तभी लगा
जब लोकमान्य तिलक ने 20 वर्ष काम करके कार्यकर्ता उसको दिए। लोकमान्य तिलक का काम शुरू हुआ 1894 से और 1915 तक सतत काम किया, लगभग 20 वर्ष, 1,20,00,000 कार्यकर्ता जमा किए, वो महात्मा गांधी को दिए, तब महात्मा गांधी को और 35 वर्ष लगा। तो हमारी ताकत तो गांधी जी से भी कम है, लोकमान्य तिलक से भी कम है, तो हमको कितना वर्ष लगेगा। इसलिए दिमाग में कार्यकर्ता को एक बात हमेशा ध्यान रखने का कि भारत में कुछ भी जल्दी नहीं होगा, जो भी होगा धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे होना है, इसलिए हमको भी व्यसन मुक्ति का काम जो करना है वो धीरे धीरे करना है, तेजी से नहीं करना, नहीं तो थक जाएंगे, हार जाएंगे, फिर आप गाली देंगे हमको, फंसा दिया व्यसन मुक्ति युवक संघ में, क्योंकि बहुत निराशा आती है। जो लोग तेजी से काम करते हैं ना, 2-5 साल में निराश हो जाते हैं, वो कहते अभी तो क्रांति हुई नहीं, अभी इस देश में कुछ नहीं हो सकता, फिर गाली देना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, अपना मन दुखी होता है, सामने वाला जो सुनता है उसका और जास्ती दुखी होता है। तो इसलिए मेरा आपको सभी को पहला जो निवेदन है वो ये कि कार्यकर्ताओं को धैर्यशील होना, धीरजवान होना, समय के साथ चलने की ताकत रखने वाला होना, ये बहुत आवश्यक। कुछ भी जल्दी नहीं होगा। आपको सीधा हिसाब बताता हूँ, 1857 में भारत में आजादी लाओ आंदोलन शुरू हुआ और 1947 में पूरा हुआ, 90 वर्ष लगे, जबकि उस आंदोलन को करने वाले 6,40,000 क्रांतिवीर थे, 6,40,000, आप तो नहीं है, तभी 90 वर्ष लगा। तो इसलिए आपको कार्य करना है तो ये मानकर करना है कि ये धीमे होगा, तेजी से नहीं होगा। ये तो पहला गुण, कार्यकर्ता को धैर्यशील होना, धीरजवान होना, ये बहुत आवश्यक है। अधीरता अगर आप में आई, जल्दबाजी आपने किया, आप अपना नुकसान करेंगे, संगठन का उससे भी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आप अधीर होके, निराश होके संगठन छोड़ के जाएंगे तो 10 लोगों को आप कहेंगे कुछ होने वाला नहीं है, सब अपने घर में बैठो, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कोई भी काम जल्दी करने का नहीं। और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि भारत के जो पुराने लोग हैं उन्होंने हर काम धीरे करने के लिए बोला, सावकाश जा, क्यों, ऐसा क्यों नहीं बोला पटकन जा, लौकर जा, ऐसा नहीं, सावकाश, हड़ू हड़ू खाना, धीरे धीरे खाओ, तेजी से मत खाओ, जल्दी जल्दी नहीं। हर काम इस देश में धीमे है, धीमे चलो, धीमे बात करो, धीमे खाना खाओ, कुछ भी धीरे धीरे करो, ताकि ऊर्जा ज्यादा खर्च ना हो, क्योंकि हमारी बहुत ऊर्जा सूर्य से लड़ने में खर्च होती है, बहुत ऊर्जा खर्च होती है, आपको माहिती नहीं। चिकित्सा विज्ञान का अगर आप अभ्यास करें तो आपको पता चलेगा एक दिवस में लगभग 1500 कैलोरी ऊर्जा तो सूर्य से लड़ने में खर्च हो जाती है, और एक दिवस में 2300 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, तो दुप्पट ऊर्जा की हमको जरूरत पड़ती है, एक सूर्य से लड़ने में, दूसरा अपना जीवन चलाए। अब ये सूर्य को तो बंद नहीं कर सकते, कर सकते नहीं, तो अपने को बदल करना, ये होशियारी है, ये इंटेलिजेंसी है। तो अपने को बदल करना माने धीरे काम करने की आदत डालना, वो तो बहुत आवश्यक है, जल्दी कुछ भी नहीं करना। कोई गांव आपने संकल्प किया कि इसको व्यसन मुक्त बनाने का है, तो ऐसा संकल्प नहीं करना कि 1 वर्ष में बनाने का, 6 महीने में बनाने का, 3 महीने में बनाने का, 2 महीने, ये बहुत खतरनाक है, होगा नहीं। आपने संकल्प ले लिया कि 1 वर्ष में व्यसन मुक्त बनाएंगे, नहीं होने वाला, क्योंकि जिनको व्यसन मुक्त बनाना वो धीमे धीमे करने वाले हैं। पहले आप बोलोगे, कहेंगे हाँ, सोचेंगे व्यसन नहीं करना, एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, 20 बार, फिर 50 बार सुनने के बाद कहेंगे हाँ, एक दिन के लिए व्यसन बंद करूंगा, हाँ एक ही दिन के लिए बंद करूंगा, फिर थोड़े दिन बाद 2 दिन के लिए करूंगा, फिर 3 दिन, फिर होते होते 1 वर्ष 2 वर्ष लगेगा तभी संपूर्ण व्यसन मुक्त होगा। एक व्यक्ति को इतना समय लगेगा तो संपूर्ण गांव जल्दी नहीं होने वाला। इसलिए कभी भी कार्य जो करना है उसके लिए मन में पहले से तय करना कि इसको धीरे धीरे करना है, जल्दी नहीं करना, बात समझती है, क्योंकि प्रकृति हमारी ऐसी है, तेज कुछ भी करेंगे थक जाएंगे, मानसिक थकान होती है, फिर शारीरिक थकान होती है, शारीरिक थकान का तो कुछ इलाज भी हो जाता है, मानसिक थकान का नहीं होता, और मानसिक थकान होने के बाद बहुत निराशा आती है, और इतनी निराशा आती है मैं आपको नाम लेके बताऊं, गोविंद राघव खैरनार, समझती है, अभी कहाँ है मालूम है, मुंबई में है, घर में है, और सिर्फ सो के बैठते और बोलते हैं कि भारत खलास हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता इस भारत, कुछ नहीं हो सकता। हमारा एक दोस्त अभी उनका इंटरव्यू लेने गया था, और मराठी न्यूज़पेपर सकाळ में और उसमें छपा भी है,
आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो इंटरव्यू लेने वाला था वो खैरनार जी को दिलासा दे रहा था, धीरज बता रहा था, और खैरनार जी का हाल बिल्कुल मानसिक पागलपन का हो गया। उनको एक बीमारी हो गई, उसका नाम है सिज़ोफ्रेनिया। अभी इसका इलाज नहीं है, और ये बीमारी हर उस व्यक्ति को होती है जो जल्दी 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 कुछ भी करना चाहता है। वो सोचते थे कि 2 साल में भारत में क्रांति कर दूंगा, 5 साल में क्रांति हो जाएगी, 10 साल में क्रांति हो जाएगी। अभी भारत में तो क्रांति हुई नहीं। गोविंद राघव खैरनार जी मानसिक रूप से पागल हो गए और पूरा दिवस घर में बंद रहते हैं, रात भर घर में बंद रहते हैं, बाहर जाना बंद, किसी को मिलना बंद, कहीं भी जाना बंद, ये स्थिति आई है। अभी गोविंद राघव खैरनार को ये हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। इसलिए जल्दी नहीं करना, कभी निराशा आती है, और जब ज्यादा निराशा आती है तो बहुत नुकसान होता है। मैं तो कई बार लोगों को बोलता हूँ, समाज काम करना नहीं वो अच्छा है, निराशा आने से अच्छा है कि समाज काम करना नहीं, अपने घर में रहना, मजा करना, मजे करना, मौज करना। समाज काम करने के लिए निराश आदमी की आवश्यकता नहीं है। निराशा आने के लिए ये सबसे बड़ा खतरनाक कारण है, जल्दी 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 जल्दी। इसलिए कभी भी कोई काम में जल्दी नहीं करना। कार्यकर्ता होने के लिए सबसे पहला गुण धीरजवान, धैर्यशील, सतत काम करना, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, ऐसा कार्यकर्ता होना। आप समझती हैं? अभी दूसरा गुण कि हम धीमे काम करेंगे तो दिन में हमारे पास 24 तास हैं, ठीक है, इसका नियोजन करना। 24 तास का नियोजन कैसे करें? 24 तास का नियोजन में कम से कम 8 तास झोंक, हाँ कम से कम 8 तास। अगर आप कुछ मेहनत का काम करते हैं, कुछ भी जिसमें शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, खेती तो सबसे मेहनत का काम, तो अगर आप खेत में काम करते हैं, मजूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, 8 तास झोंक बहुत आवश्यक है, क्योंकि दिवस में जितनी ऊर्जा खर्च हुई है ये वापस 8 तास में ही मिलती है। मेरे जैसे लोग आदमी को 6 तास झोंक आवश्यक, क्योंकि मैं कुछ शरीर से काम नहीं करता, थोड़ा दिमाग से करता हूँ बस। आप सभी लोग शरीर से जास्ती काम करते, तो जो शारीरिक श्रम जास्ती करते हैं उनको 8 तास की नींद तो जरूरी है, ये तो नियम बना दो। 8 तास गया झोंक में, अभी कितना बचा? 16 तास। अभी 16 तास का फिर नियोजन करना, उसमें 2 तास तो जाएगा दैनिक नित्य कर्म में, आपको स्नान करने का है, कपड़े धोने का है, दांत साफ करने का है, व्यायाम करने का है, प्राणायाम करने का है, योग करने का है, ये सब व्यक्तिगत कार्य के लिए 2 तास निश्चित रोज। अभी कितना? 14 तास। अभी 14 तास में आपको लगभग 6 से 7 या 8 तास आपका कोई काम करना है। आप कहीं नौकरी करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, तो 8 तास कम से कम जाने वाला है आपका, या खेत में भी काम करते हैं तो 8 तास जाने वाला है, तो वो उसमें गया। अभी कितना बचा? 6 तास। अभी 6 तास में से 2-3 तास रोज घर के बहुत सारे काम रहते हैं, अभी घर के छोटे छोटे काम हैं, जैसे गेहूं का आटा नहीं है उसको पिसा के लाना, सब्जी नहीं है भाजी खरीद के लाना, तेल खत्म हो गया उसको लेके आना, मसाला नहीं है घर में वो लेके आना, घर का कुछ दीवार टूटा है तो उसको ठीक करना, ये 2-3 तास तो जाने वाला है, वो तो नियमित रूप से जाने वाला है। या आप पिता हैं माने बाप बन गए हैं तो कोई छोटा बेटा है या बेटी है उसके साथ 2-3 तास आपका जाने ही वाला है, और वो बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये बाद में बताऊंगा। तो आपको समाज कार्य करने के लिए जास्ती से जास्ती 2 तास मिलेगा रोज, उतना ही करना, इससे जास्ती नहीं। दिवस में 2 तास समाज के लिए, मैं तो बोलता हूँ 1 ही तास कर, 1 तास देश के लिए, 23 तास अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए रोज का 1 तास न्यूनतम, जास्ती से जास्ती 2 तास। माने दिवस में जितना भी समय है उसमें व्यसन मुक्ति का कार्य 2 तास से जास्ती कभी करना नहीं, कितना भी जरूरी कार्य। अभी रोज का 2 तास तो जोड़ना शुरू करो, महीने का 60 तास, साल का लगभग 700 तास, 720, तो 720 तास के दिवस बना लो, 24 तास का 1 दिवस होता है, तो लगभग साल में 30 दिन आपको व्यसन मुक्ति का कार्य करना है या समाज कार्य करना, 30 दिन साल में, 30 दिन साल में 365 दिवस में 30 दिन आपको ये कार्य करना है, इससे जास्ती करना नहीं। अब वो 30 दिन में शिविर कितना होता है ये देखो, हर साल में 1 शिविर तो होता है, 7 दिवस का, 7 दिवस, तो 30 दिन में 7 दिन ये गया, अभी कितना? 23 दिन, 23 दिन आपको काम करना है आपके गाँव में। फिर कभी कभी 1 वर्ष में 2 दिन ये भी चला गया, कल और आज का शिविर, तो 21 दिवस काम। तो इसमें क्या होगा, आपके जीवन में तनाव नहीं आएगा। और अगर आप इसको ऐसा सोच के चलेंगे कि रोज 5-6 घंटे काम करना है या पूरा दिवस काम करना है, तो बहुत तनाव आने वाला है।
आजकल मैंने देखा है एक फैशन हुआ इस देश में, समाज काम करने वाले लोगों ने संस्था बना के सरकार से फंड्स लेके काम करना शुरू किया, उनको एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वो कहते हैं हम फुल टाइमर है, फुल टाइमर बहुत खतरनाक शब्द है ये फुल टाइमर, वो कहते हैं हम संपूर्ण दिवस यही करते हैं समाज काम। मैंने कहा तुम सबसे निकम्मे लोग हो, क्योंकि तुम कुछ नहीं करते, अपना तो कुछ करते नहीं, समाज का भी नहीं करते। तो भारत में जितने भी सरकार के फंड से चलने वाली संस्थाएं ना कुछ नहीं करती, बातें करते हैं बस और कुछ करते हैं, पोस्टर बना दिया, पैम्पलेट छपा दिया, वास्तव में भूमि पर जमीन पर कुछ काम नहीं होता। क्योंकि जो ये बोलता है ना कि मैं फुल टाइमर हूं, वो कुछ नहीं करता, अपना समय खराब करता है, समाज का भी। तो कभी भी फुल टाइमर होने का नहीं है, पार्ट टाइमर होने का। थोड़ा समय ये करना, थोड़ा समय घर का करना, थोड़ा समय खेती का करना, थोड़ा समय व्यापार का करना, अपने घर में बेटा बेटी है उसके लिए कुछ करना, बस दिवस में दो तास जास्ती से जास्ती, कम से कम एक तास जास्ती से जास्ती, दो तास इतना ही रोज काम करना। तो समय का नियोजन ऐसा करना, अर्थात कार्यकर्ता में पहला गुण होना चाहिए धैर्यशील होना, दूसरा गुण होना चाहिए समय का नियोजन करना, अच्छा नियोजन करना। जाती समय इसमें लगाएंगे तो तकलीफ आने वाली है, मैं आपको फिर बताता हूँ। आप जो है घर में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं, लेकिन वो भी कितना, आधा तास, एक तास, डेढ़ तास, दो तास, ऐसा थोड़ी छह तास बैठ के। ईश्वर भी नहीं कहता कि छह तास मेरी पूजा करो, वो कहता काम करो, कर्म करो, सिर्फ मेरा ध्यान करो, और वो ध्यान काम करते करते भी करो। जरूरी नहीं है कि मंदिर में आके बैठो फिर मूर्ति के सामने बैठ के ध्यान करो, ऐसा आवश्यक नहीं है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि अपना कार्य करते करते अगर मेरा ध्यान किया उतना पर्याप्त, तो भगवान भी नहीं कहता कि जागते समय आप उसकी पूजा करो, तो दूसरा काम क्यों करना जागते समय। इसलिए समय का नियोजन, जाती से जाती कितना समय देने का है, कम से कम कितना समय देने का है, ये नियोजन हर कार्यकर्ता को करने की आवश्यकता है। और मैंने आपसे बता दिया, ये मेरा 15 साल का अनुभव से बताता हूँ, एक तास कम से कम, दो तास जाती से जाती, इससे ज्यादा कभी कुछ करना नहीं। तो क्या होगा, सतत ये कार्य आप 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष कर सकते। और जो रोज आपने 6-7 तास ये करना शुरू किया, तो आप 2-4 वर्ष से जास्ती काम नहीं कर सकते, निराश होकर एक दिन घर बैठ जाएंगे और फिर आपकी स्थिति गोविंद राघव खैरनार जैसी हो जाएगी। तो तात्या को परेशान करेंगे, सचिन शिंदे को परेशान करेंगे, तुम बोलते थे क्रांति होने वाली है, अभी तो हुई नहीं, 6 वर्ष तो हो गया। उनको माहिती नहीं है कि 6 वर्ष में क्रांति होती नहीं, भारत में 100 वर्ष लगता है क्रांति होती। इसलिए पहला गुण हमारे अंदर होना धैर्यशील, धीरजवान, दूसरा तो समय का नियोजन, तीसरा जो गुण होना किसी भी कार्यकर्ता में, कैसा होना कार्यकर्ता, तीसरा गुण कार्यकर्ता का सबसे आवश्यक ये है कि जो विषय में वो कार्य करता है उसका संपूर्ण अभ्यास उसको होना। अगर आप व्यसन मुक्ति का काम करते हैं तो इस विषय का संपूर्ण अभ्यास आपको होना बहुत आवश्यक है। अगर अभ्यास नहीं है तो सामने वाला आपकी बात से प्रभावित नहीं होगा और कभी भी व्यसन नहीं छोड़ेगा। अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। तो आपने व्यसन मुक्ति का काम शुरू किया तो व्यसन मुक्ति का अभ्यास करना, और इसके अभ्यास के लिए थोड़ा स्वाध्याय करना। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है हर कार्यकर्ता को, बिना स्वाध्याय वाला कार्यकर्ता किसी काम का नहीं है, आधा अधूरा है। हर कार्यकर्ता को स्वाध्याय होना ही चाहिए। एक स्वाध्याय तो हम करते हैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए, ज्ञानेश्वरी का पारायण करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, वेदों का अभ्यास करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वो स्वतः स्वांत सुखाए, आत्मा का कल्याण। और दूसरा अभ्यास विषय का, व्यसन मुक्ति एक विषय है तो इसका सखोड़ अभ्यास, और मान लो हम अगर सेंद्रीय खेती करें तो उसका सखोड़ अभ्यास, स्वदेशी की बात करें तो सखोड़ अभ्यास, कुछ भी विषय में काम कर रहे हैं तो उसका अभ्यास होना बहुत आवश्यक। तो आप जो व्यसन मुक्ति का काम करते हैं इसमें आपको अभ्यास करना बहुत आवश्यक। अब इसके अभ्यास के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि व्यसन से संबंधित जो भी साहित्य कहीं मिले वो पढ़ना, कहीं कोई वाचनालय है, पुस्तकालय है, वहां पर उपलब्ध है तो उसे भी पढ़ना। और इस समय भारत देश में जो वृत्तपत्र निकलते हैं और माहिती पत्रिकाएं निकलती हैं, मासिक पत्रिकाएं हैं, द्विमासिक पत्रिकाएं हैं, त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं, कोई तो पत्रिकाएं पाक्षिक भी हैं, 15 दिन में एक बार निकलती हैं, साप्ताहिक हैं, एक सप्ताह में एक बार, तो इन पत्रिकाओं से भी बहुत अभ्यास होता है और वृत्तपत्र से भी बहुत अभ्यास होता है। तो वृत्तपत्र से, पत्रिकाओं से, पुस्तकों से, ये सभी अभ्यास करने के लिए जहां भी मौका मिले तो होना, माने कार्यकर्ता को अभ्यासु होना बहुत आवश्यक।
आप जब भी किसी से बात करते हैं तो मैं आपको एक सरल माहिती देता हूं, अगर किसी को एक तास बात करने की है ना तो 20 तास का अभ्यास लगता है तभी एक तास बात कर, कम से कम आधा तास बात करना है तो 10 तास का अभ्यास लगता है तभी जाकर आप उतनी बात कर सकते। बिना अभ्यास के आप बात नहीं कर सकते, और बात नहीं कर सकते तो कोई आपसे प्रभावित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा तो आपका काम नहीं होने वाला, रुक जाएगा। इसलिए अभ्यासों होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप समय का नियोजन करो, दिवस में एक तास अभ्यास जरूर करो, दो तास करो तो और भी अच्छा है, लेकिन सतत अभ्यास, नियमित अभ्यास बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य अच्छे से संपन्न हो उसके लिए अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास में मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो व्यसन मुक्ति का विषय है ना, इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं। जैसे हम शरीर को व्यसन मुक्त करें, ऐसे ही हमारी खेती को व्यसन मुक्त करें, क्योंकि यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट ये भी व्यसन है जो माटी को लगा दिया आपने। तो शरीर को व्यसन मुक्त करना माने दारू छोड़ना, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी आदि आदि, ये सब व्यसन है। ऐसे ही यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट भी व्यसन है। तो भूमि का व्यसन दूर करें तो सेंद्रिय खेती, शरीर का व्यसन दूर करें तो ये दोनों तरह के व्यसन दूर करें तो बहुत अच्छा। और व्यसन की जो परिभाषा है ना बहुत व्यापक है, सभी कुरीतियों को व्यसन माना जाता है, सभी गलत काम व्यसन में आते हैं, सब गलत काम। सिर्फ दारू पीना ही व्यसन नहीं है, जुगाड़ खेलना भी व्यसन है, झूठ बोलना भी व्यसन है, वैश्यावृत्ति करना भी व्यसन है, कुछ भी गलत काम जो आप कर रहे हैं जिसको समाज की सहमति नहीं है वो सब व्यसन है। तो व्यसन मुक्त अगर करना है तो सभी कुरीतियों को, सभी गलत कामों को खत्म करने की स्थिति बनानी पड़े। तो उस दृष्टि से जब आप अभ्यास करेंगे तो संपूर्ण समाज की हर बुराई आपको दूर करनी है, ऐसी स्थिति आएगी आपके सामने। लेकिन उसकी शुरुआत आप सबसे आसानी से कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को दारू छोड़ा दिया, ये एक कदम, बीड़ी सिगरेट छोड़ा दो कदम, कॉफी चाय छोड़ा तीसरा कदम, गुटखा आदि छोड़ा चौथा कदम, धीरे धीरे उसने जुगाड़ खेलना बंद किया पांचवा कदम, पाप करना बंद किया छठा कदम, व्यभिचार करना बंद किया सातवां कदम, एक एक करके आगे बढ़ेगा। जब वो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो कुछ भी गलत काम नहीं करता तभी वो व्यसन मुक्त होगा, क्योंकि हर गलत काम को व्यसन कहा गया है। व्यसन जो है ना संस्कृत शब्द है, संस्कृत से मराठी में आया है और संस्कृत से हिंदी में भी आया है। व्यसन की परिभाषा है हर गलत काम व्यसन होता है। और कृष्ण अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं कि तुम निर्व्यसनी बनो, युद्ध जीतना है कौरवों के खिलाफ तो निर्व्यसनी बनो। तो अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से कि निर्व्यसनी बनूं तो क्या क्या करूं, तो कहते हैं व्यभिचार मत करो, परस्त्री गमन मत करो, कोई ऐसी वस्तु का सेवन मत करो जो शरीर को प्रमाद में लाती हो, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, चाय है, कॉफी है जो प्रमादी बनाती हो, शाकाहारी भोजन करो, मांसाहारी भोजन मत करो क्योंकि वो भी प्रमाद में लाता है। ऐसी 18 बातें भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को बोलते हैं कि इतना करो फिर व्यसन मुक्त बनो, निर्व्यसनी बनो तब युद्ध करो। समझ में आया? तो व्यसन मुक्त होना तो बहुत बड़ा काम है, सिर्फ इतना नहीं कि दारू छोड़ दिया व्यसन मुक्त हो गए, इतना नहीं है, बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया व्यसन मुक्त, नहीं नहीं, झूठ बोलना बंद किया क्या, पाप करना बंद किया क्या, जुगाड़ खेलना बंद किया क्या, खेत में यूरिया डीएपी डालना बंद किया क्या, टीवी सिनेमा देखना बंद किया क्या, इतना सब किया तो व्यसन मुक्त आप बनेंगे फिर दूसरा बनेगा। तो पहले अपने को देखो क्या क्या अभी तक छोड़ा है आपने। आप सब व्यसन मुक्त के कार्यकर्ता हैं, आप तो ढूंढो ना क्या क्या किया आपने, कितने काम कर पाए अभी तक। दारू छोड़ी है सबने, बीड़ी सिगरेट छोड़ी है, गुटखा मावा छोड़ा है, ठीक है, और क्या छोड़ा है, चाय कॉफी छोड़ी है पक्का, हाँ, और झूठ बोलना छोड़ा है, नहीं। देखिए व्यसन भी दो होते हैं, एक तो तन का और एक मन का। तन का व्यसन तो यह है दारू, बीड़ी, गुटखा, जुगाड़, पान, मावा, सिगरेट, शराब, कॉफी, चाय, ये सभी तन का व्यसन है। मन का व्यसन झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को भी मूर्ख बनाना, हाँ, और मूर्ख बना के किसी से लूट लेना, तो ये सभी मन के व्यसन है। गाली देना, दुर्व्यवहार करना, किसी को मारपीट करना, किसी को गुस्सा करना, ये सभी मन के व्यसन है। परस्त्री गमन करना, किसी की बहन बेटियों को गलत नजर से देखना, ये सब मन के व्यसन है। तो तन का व्यसन तो दूर होता है बहुत आसानी से, एक बरस लगेगा, दो बरस लगेगा, मन का व्यसन दूर होने में समय लगता है। तो व्यसन मुक्त हम हुए हैं अभी तन से, हाँ, मन से नहीं हुए हैं। मन से कब होंगे? जब आप झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे किसी भी बात में, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, असत्य का सहारा नहीं लेंगे, जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने शिविर में संकल्प किया कि हम गांव गांव जाएंगे,
50 लोगों को माहिती देंगे व्यसन मुक्ति की और माहिती 25 को दिया, तो फिर झूठ बोल के ये नहीं कहना कि हमने 50 को दिया, 25 को दिया तो 25 को दिया। और ये भी हो सकता है किसी को माहिती नहीं दिया, घर में बैठ के सो गया या टीवी देखा या सिनेमा, तो भी बोलना कि मैंने किसी को माहिती नहीं दिया। अभी आगे दूंगा, उसमें ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं 100 घर में गया, मैं 500 घर में गया, तो मैं हिसाब जोड़ूंगा ये 500 घर में गया तो अभी तक ये गांव बदलता क्यों नहीं। कभी कभी मैं किसी को पूछता हूँ कितने घर में गए, तो वो बोलते हैं 1000 घर में, तब तो क्रांति हो जानी चाहिए, नहीं होती तो इसका माने तुम गए नहीं, लेकिन झूठ बोल दिया। वो झूठ बोलना फिर धीरे धीरे आदत बन जाता है, आदत बनता है ना तो हर समय फिर झूठ बोलने का दिल करता है और उससे आप फंसते चले जाते हैं। तो ये मन का व्यसन भी दूर होना बहुत आवश्यक है। तन का व्यसन तो बहुत आसान है, 2-4 साल में हम दूर कर पाते हैं, मन का व्यसन दूर करने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास रहना चाहिए। तो आज के शिविर में एक संकल्प लेके जाइए कि हम तन से तो व्यसन मुक्त हैं, मन से व्यसन मुक्त बने तो छोटे छोटे कुछ काम अपने जीवन में सतत करें, झूठ नहीं बोले किसी भी स्तर पर, अपने घर में आई बाबा के साथ झूठ नहीं बोले, पत्नी के साथ नहीं, बहन के साथ नहीं, तो उनके ऊपर भी असर होगा, वो भी आपके साथ झूठ नहीं बोलेंगे, बच्चों से झूठ नहीं बोले। ज्यादातर घरों में ऐसा बहुत मैंने देखा है, मैं किसी के घर में गया और कोई व्यक्ति मुझसे मिलना नहीं चाहता, उसका बेटा आके बोलेगा बाबा घर में नहीं, तो मैं पूछ रहा कभी आएंगे, तो कहता बाबा से पूछ के बताता हूँ अभी, वो अंदर गया बाबा को पूछने कि वो पूछ के कभी आएंगे, मैं समझ गया बाबा घर में है, लेकिन बच्चे को बोल दिया कि जाके बोलो बाबा घर में नहीं, तो अब वो खुद तो झूठ बोलता है, बच्चे को भी सिखा दिया उसका, बच्चा देख रहा है कि बाबा घर में है और दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं है बोल दो, तो धीरे धीरे वो इतना बड़ा झूठ बोलेगा किसी दिन कि आपकी हालत खराब कर देगा। इसलिए जो लोगों के घर में बच्चे हैं उनको तो कान पकड़ लेना कि गलती से भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि बच्चे सब सच्चे होते हैं, वो आपके झूठ को सबसे जल्दी पकड़ते हैं, और आप अगर उनके सामने शर्मिंदा हो गए तो जीवन पर्यंत वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे आप, और उनका सम्मान अगर नहीं मिला तो समाज के सम्मान से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता जिसको होना है अच्छा, उसको झूठ तो कभी भी नहीं बोलना किसी भी परिस्थिति, खराब से खराब परिस्थिति है तो नहीं। हाँ, एक परिस्थिति है जिसमें हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है झूठ बोलने की, वो परिस्थिति ये है कि आपके झूठ से समाज को कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला हो तो जरूर बोलना, तो ऐसा झूठ जरूर बोलना जिससे पूरे समाज को कोई लाभ होता हो, देश को लाभ होता हो, हमारी संस्कृति को लाभ होता हो, सभ्यता को लाभ होता हो। एक और उदाहरण देता हूँ, इंदापुर में मान लो कोई नौटंकी होने वाली है, तमाशा होने वाला है, आप जानते हैं कि वो तमाशा देख के तो मन में विकृति ही आती है, सदगति तो होती नहीं कुछ, और यहाँ कोई कार्यकर्ता युवान आपको पूछता है माहिती है इंदापुर में तमाशा होने वाला है, कहना नहीं होने वाला, वो कैंसिल हो गया, पहले होने वाला था अभी कैंसिल हो गया, वो आ नहीं रहे हैं, उनका बस का एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, अभी कोई नहीं आ रहा है वहां। ऐसा झूठ बोलने का शास्त्र में अनुमति है, जिस झूठ को बोलने से समाज का भला होता हो, देश का भला होता हो, उसको बोलने की अनुमति है, इतनी ही है, इससे जास्ती नहीं, ठीक है। तो कार्यकर्ता को कैसा होना, तीन माहिती, पहली धैर्यशील होना, धीरजवान होना, दूसरी समय का नियोजन, और तीसरा सत्य बोलने वाला होना, और एक चौथी बात मैंने बीच में कही, अभ्यासु होना, सतत अभ्यास करना। पांचवा एक गुण चाहिए कार्यकर्ता में, वो बहुत आवश्यक है, ईमानदारी, एकदम ईमानदार होना। ईमानदारी इस स्तर की कि आपको 1000 रुपए दिए कि जाओ ये काम करने का है 1000 रुपए, व्यसन मुक्त युवक संघ के 1000 रुपए लेके जाओ, अभी उसमें से 870 खर्च हुए तो 130 रुपए वापस आने ही चाहिए, और जिसने दिए उसको हिसाब उसका मिलना ही चाहिए, भले वो बाद में 130 रुपए आप वापस मांगो कि अभी मुझे और जरूरत है तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी इस स्तर की कि हमने जो कुछ खर्च किया, संगठन का हो या हमारा हो, उसका पाई पाई का हिसाब हमको माहिती होना चाहिए, हिसाब से पक्का होना चाहिए। इसको मैं दूसरी भाषा में कहता हूँ, हर कार्यकर्ता को जेब का पक्का होना चाहिए, जो जेब का पक्का नहीं है वो कार्यकर्ता होने के लिए मुश्किल करेगा। हमारे भारत में यही एक दुर्गुण सबसे ज्यादा इस समय फैला हुआ है, कोई भी पुढ़ारी ऊपर स्तर पर जेब का पक्का नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हर वर्ष हिंदुस्तान में 77,000 कोटी रुपए का भ्रष्टाचार होता है पुढ़ारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, और 30-32 हजार कोटी का, माने 1,00,000 कोटी रुपए तो भ्रष्टाचार में ही जाता है, क्योंकि जेब का पक्का कोई भी नहीं है। पहले कोई पक्ष वाले कहते थे हम ईमानदार हैं, लेकिन अभी उनकी भी धोती खुल गई है सबकी, कोई ईमानदार, अभी थोड़े दिवस पहले देखा खासदार लोग
संसद में प्रश्न पूछने का रिश्वत खाते हैं, अभी इससे ज्यादा नीचाई और क्या होगी। हम उन खासदारों को चुनकर भेजते हैं संसद में प्रश्न पूछने के, और उनके पगार पर कोटि कोटि रुपए खर्च करते हैं इसी काम के लिए। तो ये अगर जेब के पक्के होते तो ऐसा नहीं होता ना। अभी मैंने तो इस बार ये देखा कि जो खासदार पैसा खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, वो साधारण नहीं है, उच्च सुशिक्षित है। उनमें से एक खासदार तो जो पकड़ा गया वो इंजीनियर है, अमेरिका से पढ़ के आया, डबल ग्रेजुएट है, बीई किया, बीटेक किया, अमेरिका से पढ़ के आया, सुशिक्षित है, और वही सबसे ज्यादा पैसा खाता है। तो ये जो हमारे मन में बैठा हुआ है कि सुशिक्षित है तो नहीं खाएगा भ्रष्टाचार, ऐसा कुछ नहीं है। सुशिक्षित भी भ्रष्टाचारी है, अशिक्षित तो जो है सो है। इसलिए इसका ध्यान हमेशा रखना है। कल को मान लो हम में से कोई खासदार बना और जेब का पक्का नहीं है, तो पूरे व्यसन मुक्त युवक संघ का नाम डुबो देगा। तो हम में से कोई ऐसा ना बने, इसके लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है, और ये प्रयास आप पूरी ताकत और ईमानदारी से करें वो बहुत आवश्यक है। जेब का पक्का होना कार्यकर्ता को बहुत ही आवश्यक है। और एक गुण जो कार्यकर्ता में होना बहुत आवश्यक है, मैं उसको एक दूसरे भाषा में कहता हूँ, जेब का पक्का एक गुण, लंगोट का पक्का ये और भी आवश्यक है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि समाज काम करने के लिए जब आप एक दूसरे के परिवार में जाएंगे और अगर आपका चरित्र पूरा खरा नहीं है तो आप तो बहुत बुरी स्थिति पैदा करने वाले, बहुत बुरा हाल होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत चीजों में अच्छे हैं, अभ्यासु हैं, मन में बहुत ईमानदारी भी है, सत्य भी बोलते हैं, लेकिन लंगोट के पक्के नहीं है तो धर धरा के सब गिर जाता है। तो ये तो बहुत ही आवश्यक, चरित्र से खरा होना, लंगोट का पक्का होना, जेब का पक्का होना, फिर लंगोट का पक्का होना। मेरा मानना है कि ये दो गुण तो हर एक में कंपलसरी होने ही चाहिए। अगर ये दो गुण नहीं है तो आप कोई समाज काम नहीं कर सकते। अपने को आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को भी झूठ बोल रहे हैं। कार्यकर्ता होने के लिए जो सबसे पहली दो प्राथमिक शर्त है, उनमें से एक है जेब का पक्का होना, दूसरा लंगोट का पक्का होना, चरित्र से खरा होना। कोई भी उंगली नहीं उठा सके कि इसके मन में कोई खोट है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके चरित्र में कहीं भी थोड़ी गड़बड़ी है ना, ढिलाई है, वो तुरंत समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको छुपा लें। और घर की जो महिलाएं होती है ना, उनको सबसे जल्दी समझ में आती है। ईश्वर ने, भगवान ने स्त्रियों को एक ऐसी शक्ति दी है जो पुरुष के पास नहीं है। वो किसी को देख के बता सकती है कि ये लंपट है कि ईमानदार है, चरित्र में ऊंचा है कि नीचा है। ये ईश्वर ने बड़ी जबरदस्त शक्ति महिलाओं को दी है, पुरुष को नहीं है, पुरुष नहीं बता सकता। महिलाएं तो आंखें में देखकर बता देगी कि ये आदमी खराब है, चरित्र का अच्छा नहीं। मेरी आई मुझे बताती है, मेरे घर में बहुत लोग आते हैं मुझे मिलने के लिए, हमारा दरवाजा हमेशा खुला, कोई कोई दिन तो 100 लोग आ जाते। मेरी आई सबको देख के बताती है ये आदमी बराबर नहीं है, अगली बार ये आना नहीं चाहिए घर। और फिर मैं जब देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो वो बात बराबर खरी निकलती, उसकी आंखों में एक्सरे मशीन फिट है। तो एक बार मैंने मेरी आई को पूछा, तुमको कैसे समझता है, तो उसने कहा ये सब आई को समझता है। और आप जब व्यसन मुक्ति का काम करेंगे तो परिवारों से संपर्क तो आने ही वाला है, घरों से संपर्क तो आने ही वाला है, और घरों में महिलाएं तो होती ही हैं, उनकी नजरों से आप बच नहीं सकते। इसलिए अपने मन में कहीं भी थोड़ी भी कहीं कमजोरी है तो पहले उसको ठीक करो, उसके बाद किसी के घर में प्रवेश करो। नहीं तो कल को कोई शिकायत आई तो काम तो एक बाजू में रह जाएगा, जिंदगी आपकी उसी शिकायत को दूर करने में निकल जाए। इसलिए हमें दो स्तर पर बहुत पक्का होने की जरूरत है कार्यकर्ताओं को, एक तो जेब से पक्का होना, दूसरा लंगोट से पक्का होना। ये दो गुण तो सबसे पहले चाहिए, बाकी बाद में आए तो चलेगा। अभ्यासु होना बाद में होगा तो चलेगा। आप मान लो आज अभ्यासु नहीं है, 2 साल बाद हो जाएंगे, 3 साल बाद हो जाएंगे, सतत सुनते सुनते अभ्यास हो जाएगा, वो चलेगा। 5 साल बाद भी अभ्यासु हो तो चलेगा। मैं तो कई बार ये कहता हूँ, जीवन पर्यंत नहीं हो पाए तो भी चलेगा, लेकिन जेब का पक्का पहले हो जाओ, लंगोट के पक्के पहले हो जाओ, अभ्यासु बाद में भी हो तो चल जाए। समय का नियोजन नहीं कर पाते तो भी चल जाए, धैर्यशील नहीं रह पाते तो भी चल जाए। लेकिन ये दो चीजें तो एकदम ऐसी हैं जो तत्काल होनी चाहिए, और उसके लिए आपको थोड़ा अपने स्तर पर काम करने की जरूरत है। लंगोट का पक्का होने के लिए मैंने एक बार और भी कहा था पिछली बार शिविर में, वो फिर दोहराता हूँ कि आपके मन में व्यसन ना आए, किसी को भी देखकर आपके मन में व्यसन ना आए, ऐसी कुछ स्थिति बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है, और वो हो जाता है, कोई भी कर सकता है इसको। एक तो मैंने पहले बताया था, याद है किसी को क्या बताया था एक बार पिछले शिविर में,
प्राणायाम बताया, याद है ना? तो सतत 5-7 मिनट प्राणायाम किया करो, और 3-4 प्राणायाम बहुत आवश्यक हैं अपने शरीर की वासना को नियंत्रण में रखने के लिए। 3-4 प्राणायाम बहुत आवश्यक, उनमें से एक प्राणायाम है जिसका नाम है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम, तीसरा है भस्त्रिका, चौथा है भ्रामरी। ये 4 प्राणायाम अगर रोज किए तो बहुत अच्छा। कपालभाति माने तेजी से सांस बाहर निकालना, और जब निकालेंगे तो जाएगी भी, वो तो स्वाभाविक। अनुलोम विलोम माने एक तरफ की नाक बंद करके पूरी सांस निकालना, फिर भरना, दूसरे से निकालना, फिर भरना, थी ये तो अनुलोम। भ्रामरी तो ये बंद करके जैसे भोरा घूम ऐसे करता है वो, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका, सिर्फ सांस को फेंकना तो अपने से अंदर जाए वो बस। ये 4 प्राणायाम तो जरूर करना, भले 5 मिनट कर। इससे मन, बुद्धि, शरीर तीनों पवित्र रहते। मन में वासना नहीं आएगी तो लंगोट से पक्के रहेंगे, ठीक है। और एक दो काम कर सकते हैं, हड़द का जास्ती उपयोग करना। किसी भी वासना को ठीक करने में हड़द सबसे अच्छी औषधि है। दूध पीना तो हड़द डाल के पीना, भाजी में हड़द लेना, और अभी ताजा हड़द आती है ना तो भोजन के साथ खाना, हड़द का ताजा रस 1 चम्मच रोज सुबह लेना। जिनको भी अपनी वासना पर संयम नहीं है, मन में कुविचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, उनके लिए है, जिनको है उनको आवश्यकता नहीं। तो ये स्थिति आपकी बनेगी तो आप कुछ बड़ा समाज काम कर सकेंगे। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि भले आप कुछ समाज काम नहीं कर सकें, लेकिन समाज के लिए आदर्श जरूर बन जाएंगे कि देखो वो एक कार्यकर्ता है। ऐसा कार्यकर्ता होना, भले क्रांति हो या ना हो, लेकिन आप आदर्श बन जाएंगे अपने समाज, और आपके ऐसे आदर्श दूसरे भी बन जाएंगे। तो हमें कार्यकर्ता होने के लिए कुछ प्राथमिक जो शर्तें हैं वो इस तरह की हैं, जो करें तो बहुत अच्छा है। एक और शर्त है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता अगर होना है तो सतत कोशिश ये करना कि आप जो विषय लेके काम करते हैं, इस विषय से इतर कोई भी मदद की जरूरत समाज को लगती है तो उसके लिए खड़े रहना हमेशा। अभी व्यसन मुक्ति का काम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कभी पूर आया और आप बोलोगे ये तो मेरा काम नहीं है, पूर आया वो तो कोई और का काम है, तो नहीं चलने वाला। पूर आया तो व्यसन मुक्ति का सब काम छोड़कर पूर की मदद के लिए लोगों के साथ खड़े होना, या कहीं आग लग गई गांव में तो सभी काम छोड़कर उसके लिए प्रयास करना, या तो कुछ महामारी फैल गई, कल्पना करो तो उस महामारी के लिए लोगों की मदद करना, औषध उपलब्ध कराना, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, डॉक्टर को वहां लेके आना, जो भी मदद लगती है वो करना। या गांव में मान लो कोई पीक है और उस पर जबरदस्त जंतु आया, कीट आ गया, अभी क्या करें, तो गांव वालों की मदद करना कि भाई इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो समय अपने विषय की बात ही नहीं करना। जब भी समाज को आपकी मदद की जरूरत है तो सभी कार्य छोड़कर मदद के लिए उपस्थित रहना। जैसे अभी एक कतल खाना खुलता है सोलापुर, तो व्यसन मुक्ति का काम तो नहीं है, लेकिन वो कतल खाना बंद होना ही चाहिए। इसके लिए अगर हम ताकत लगाएंगे तो कल को कतल खाना बंद कराने वाले जो लोग जिनका वही विषय है वो आपके साथ आएंगे। तो जब भी समाज को आपकी मदद की आवश्यकता पड़े तो आप उस मदद के लिए तैयार रहना, ये बहुत आवश्यक है। आज ये नहीं हो पा रहा है, अलग अलग संगठन है, सबने अपने अपने विषय लेके काम करना शुरू किया, दूसरे को कुछ भी मदद लगती है वो साथ में नहीं आते, तो ना वो आगे बढ़ते हैं ना दूसरा आगे बढ़ता। पूरे भारत में हजारों की संख्या में संगठन काम करते हैं, एक ही विषय को लेके करते हैं, लेकिन समाज की मदद के लिए कभी आगे नहीं आते, तो समाज भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता, वो अपने घर में रहते हैं, समाज अपने रास्ते चलता है। तो कभी भी समाज को आपकी मदद की जरूरत अपेक्षा है, उस समय सब काम छोड़कर वो मदद के लिए जाना बहुत आवश्यक है। किसी भी कार्यकर्ता को ये गुण होना बहुत आवश्यक है। और एक गुण और होना आवश्यक है किसी भी कार्यकर्ता को, वो गुण ये है कि कभी भी किसी को मजाक नहीं करना। जैसे आप किसी को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं, वो व्यक्ति बहुत दारू पीता है, ठीक है पीता है, अभी उसका कोई कमजोरी है जिसके कारण वो पीता है, तो उसको दारू से बाहर निकालना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन कभी उसके लिए टीका नहीं करना, टिंगल नहीं करना, उसका मजाक नहीं करना। क्योंकि जैसे ही आपने टीका किया, टिंगल किया, तो आपका सारा काम व्यर्थ। उसको ये मान के कोशिश करना कि इसको कोई बहुत बड़ी कमजोरी है शरीर में। देखिए व्यसन जब आता है ना शरीर में, तो शरीर की कमजोरी से आता है, दुर्गुण वो नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये व्यसन करता है इसलिए इसमें गुण कम है, गुण की कमी नहीं होती है, वो व्यक्ति को शरीर में कुछ कमजोरी आती है। कमजोरी क्या आती है, सभी व्यक्ति के शरीर में कुछ रसायन होते हैं, कुछ धातुएं होती हैं, उनमें से कोई एक दो रसायन कम हो गए, कोई एक दो धातुएं कम हो गई, तो व्यक्ति दारू पीना शुरू कर देगा, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, मावा खाना शुरू कर देगा। वो सामान्य रूप से मैंने जो शोध किया है वो ये कि सभी दारू पीने वाले लोगों के शरीर में एक केमिकल, एक रसायन की बहुत कमी आ जाती है, वो रसायन का नाम है सल्फर।
हिंदी और मराठी में कहते हैं गंधक, अंग्रेजी में कहते हैं सल्फर। हमारे शरीर में 16 तरह की धातुएं और रसायन हैं। कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, सल्फर है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, ऐसी 16 धातुएं और रसायन होते हैं। इनमें से कोई एक धातु या एक रसायन कम हुआ और दूसरा जास्ती हुआ तो व्यसन की स्थिति बनती है। लोग जब व्यसन शुरू करते हैं ना, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि मजे में करते हैं, मौज में करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर 19 वर्ष की उम्र के पहले कोई व्यक्ति व्यसन शुरू करता है तो मान सकते हैं कि वो मजे के लिए कर रहा है। उसके बाद की उम्र का कोई व्यक्ति अगर व्यसन शुरू करता है तो जानने की कोशिश करो, कोई एक रसायन शरीर में बहुत कम होगा और जब तक उस रसायन की पूर्ति नहीं होगी तब तक वो व्यसन मुक्त भी नहीं होगा। उसमें होगा क्या, शुरू में आपने उसको समझाया, एक दो दिवस समझ गया, फिर कुछ दिन चुपके से जाके पी के आएगा, आपको बताएगा भी नहीं, और फिर आपको पता चला, आप बोलोगे यार तुमने फिर पी लिया, तो उसने कहा क्या करूं, मन नहीं मानता, शरीर नहीं मानता। वो मन मानता इसलिए नहीं है कि वो दारू के मदद से उसको वो रसायन की तात्कालिक पूर्ति होती है, शरीर उसकी मांग करता है, शरीर कहता है इसको पियो, इससे तुम्हारी ये कमी पूरी होती है, लेकिन वो होती तात्कालिक है, परमानेंट नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई औषध अगर दे दी जाए जो उसके रसायन की पूर्ति कर दे तो जीवन पर्यंत वो व्यसन मुक्त हो सकता है। अब वो क्या रसायन है वो जानना थोड़ा चिकित्सा विज्ञान का काम है, मैं इस पर थोड़ा शोध करता हूँ। चाय कॉफी जो लोग पीते हैं उनके शरीर में आर्सेनिक नाम के रसायन की बहुत कमी आती है, इसलिए वो बार बार चाय कॉफी। शराब पीने वालों को सल्फर गंधक की बहुत कमी आती है शरीर में, इसलिए बार बार शराब पीते हैं। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले और हुक्का पीने वाले, इनको शरीर में फॉस्फोरस की बहुत कमी आती है, इसलिए वो बहुत बार उसको पीते हैं। ऐसे 16 रसायन है, जिसकी भी कमी आएगी उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर उसको प्रेरित करेगा, फिर जाकर वो पिएगा। तो ऐसी परिस्थिति है। तो आप अगर इसको समझ सकते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति अगर व्यसन कर रहा है तो उसके शरीर की कोई बड़ी भारी कमजोरी है या उसके शरीर में कोई बहुत बड़ी कमी है जिसके चलते वो ऐसा कर रहा है। कमी दूर हो जाए तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति की जो इस तरह के व्यसन में फंसा हुआ है, टीका नहीं करना, मजाक नहीं करना, हंसी खिल्ली नहीं करना उसकी, क्योंकि वो उसकी कोई बड़ी कमजोरी है। वो जानबूझ के कई बार ऐसा नहीं करता है, कोई बड़ी कमजोरी के तहत करता है। तो भारत में 23 लाख संत हैं, 23 लाख इस देश में संत हैं, 23 लाख से भी जाती हैं, 23,80,000 और कुछ सौ में भी होंगे, ये सरकार के आंकड़े हैं। इतने साधु संत हैं, महात्मा हैं, और 107 कोटि का भारत है। अगर ये कर लेते तो भारत में इतना भ्रष्टाचार, इतना अनाचार, इतनी व्यसन क्यों होती? तो साधु संत दूसरे को नहीं सुधारते, वो अपनी सेवा कराते। उनको अहंकार इस बात का है कि वो समाज को सुधारना कर रहे हैं, वो कोई समाज को सुधारना नहीं करते। ये बात मैंने बहुत बड़े बड़े संतों को कही है उनके मुंह पर कि आप तो अपनी सेवा करा रहे हैं, आपको अहंकार है कि आप समाज के लिए कर रहे हैं, समाज आपके लिए कर रहा है, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर। तो आप में से किसी को साधु होने का नहीं है, ध्यान रखना है, संत भी होने का नहीं है, संत और साधु कहलाने की भी जरूरत नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारा स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि हम समाज में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं समाज को मदद करने की, अपना भी कल्याण कर रहे हैं दूसरे का। और ये जो साधु संत होते हैं वो हिमालय में चले जाते हैं, वो अपनी तपस्या करके अपना कल्याण करते हैं, देश का नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने घर बनाया है, परिवार बनाया है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो कभी भी ध्यान में ये नहीं लाना कि छोड़ के जाने का, कोई कुछ नहीं कर पाता। मैंने बड़े बड़े संतों को देखा है जिन्होंने घर छोड़ दिया वो और परेशान है। हाँ, तो मैं कहता हूँ नहीं छोड़ते तो अच्छा था, क्योंकि इधर से भी गए उधर से भी गए, दोनों तरफ से गए। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने घर बसाया, परिवार बसाया, घर संसार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, सर्विस करते हैं, खेती करते हैं, जो करते हैं वो ईमानदारी से करते करते ये करने का है। उसको छोड़ छाड़ कर कुछ जास्ती करेंगे ये कभी नहीं करेंगे। ये आपका जो अध्यक्ष है ना, ये बहुत बार मुझे कहते हैं राजीव भाई नौकरी छोड़ने का है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं छोड़ने का। पूछो इनको कितनी बार बोला है कि मैं नौकरी छोड़ता हूँ, अभी अगले साल संपूर्ण काम करता हूँ। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि नहीं छोड़ने का, क्योंकि मैं जानता हूँ जिन्होंने सब छोड़कर काम किया बहुत परेशान हो। इसलिए समाज के बीच में रह के हमें करना है, परिवार के बीच रह के करना है। और अगर आप परिवार समाज में रह के करते हैं तो बहुत तारीफ की बात है,
सब छोड़ के तो आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, तो यही करेंगे और क्या करेंगे। जब ही सब करते हुए करेंगे तो तारीफ के बाद। और या तो एक दूसरी स्थिति कि घर परिवार बसाने का ही नहीं, शुरू से तय कर लिया कि हमको यही करने का है, तो उसमें दुविधा नहीं रहती। दुविधा तब आती है जब आपने घर परिवार बसा लिया, फिर आप सोचते हैं कि उसको छोड़कर हम निकले तो बड़ा काम होगा, जास्ती क्रांति होगी, जल्दी होगी। ऐसा कुछ होता नहीं, क्रांति जब होगी तब होगी। हाँ, वो तो मैंने आपसे कहा जल्दी होने वाली नहीं है, जब होगी तब होगी। लेकिन घर आपके हाथ से जाएगा, आप असंतुष्ट रहेंगे, दूसरे लोग भी आपको देखकर असंतुष्ट बनेंगे, क्योंकि वो कोई आदर्श स्थिति नहीं होती है। आदर्श स्थिति जो है ना, वो यही है कि हम समाज के बीच में रहकर ये सब करें। और मैं बड़े उदाहरण आपको देता हूँ, अब आपको जल्दी समझ में। रामचंद्र जी के बारे में सब जानते हैं, भगवान राम के बारे में। अगर भगवान राम संन्यास लेते तो क्या नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। जब 14 वर्ष का वनवास मिल गया तो कह देते कि अब तो सन्यासी होना ही अच्छा, लेकिन सन्यास नहीं लिया। वनवास में भी सन्यास नहीं लिया, पत्नी को साथ लेके गए। वो चाहते तो सीता को कहते, जाओ अभी, तुम्हारा मेरा क्या लेना देना, तुम तुम्हारे घर चली जाओ, पिताजी के पास जाओ, दूसरी शादी कर लो, कुछ कर लो, मैं तो अब गया 14 साल के लिए वनवास। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, कहा कि मैं वनवास जा रहा हूँ, सन्यासी होने नहीं जा रहा हूँ। वनवास माने राजमहल से दूर रहूंगा, लेकिन समाज के बीच में रहूं। तो जंगल में रहने वाला जो समाज है, जिसको हम आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, उनके बीच में रहूंगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करूं। तो वो निकल गए 14 साल के लिए, और कहां रहे? जंगलों में रहे। जंगलों में कहीं भी मिले तो साधु संतों को वंदन किया, प्रणाम किया, लेकिन कभी भी खुद साधु संत होना है ऐसा नहीं था। उनके गुरु थे वशिष्ठ और एक थे विश्वामित्र। दोनों ने बहुत समझाया, मेरे जैसे हो जाओ, माने गुरु हो जाओ। उन्होंने कहा कि आप अपनी जगह रहिए, मैं ऐसे ही रह के कुछ करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, गांव-गांव घूमे, वन वन गए, 14 साल घूमते रहे देश भर में, जहां जो समस्या मिली उसको समाज के लोगों की मदद से हल किया। कोई भी समस्या मिली उस समस्या को हल करने के लिए अयोध्या से कुछ नहीं मंगाया, अपने राज्य से कुछ नहीं मंगाया, ना सेना मंगाई, न पैसे मंगाए, न बंदूक मंगाई, न तीर कमान मंगाया। वो मंगाते तो कुछ भी आता। और कहानी तो ये है कि भरत सब कुछ लेके आए थे उनके लिए, तो भरत को वापस कर दिया कि लेके जाओ, ये सेना मुझे नहीं चाहिए, पैसा भी मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारे राज्य का है, तुम लेके जाओ, मैं तो जिस समाज में हूँ इसी में रह के सब करने वाला। अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये समाज मुझे देगा, सेना की जरूरत पड़ेगी तो ये समाज काम करेगा, मुझे अयोध्या की सेना से कुछ करने का नहीं है। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए, मतलब जहाँ हम हैं उसी समाज की मदद से हमें करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंड आएगा, बंडा तात्या हमको कुछ पैसा भेजेंगे, या सचिन शिंदे कहीं से फंड इकट्ठा करके भेजेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। हाँ, आप हैं वहीं रहते हुए, उनके बीच से संसाधन इकट्ठे करते हुए आपको काम करना। राम के जीवन से तो ये सीखने की आवश्यकता। उन्होंने तो पूरी जिंदगी गांव गांव वन वन घूम घूम के समस्याओं का और उस समय में समस्या सबसे बड़ी ये थी कि जो दुष्ट लोग थे, राक्षस प्रवृत्ति के, वो संत लोगों को परेशान करते थे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। राम ने सबको मारा और मरवाया, लेकिन किसी को भी मारने के लिए अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, अयोध्या से धनुष तीर नहीं मंगाए, हथियार नहीं मंगाए, अस्त्र शस्त्र नहीं मंगाए। जो भी किया उन्होंने वो उन लोगों के बीच में रह के किया। ये तो बड़ी बात है, समाज के बीच में रहकर समाज का काम करो तो उसमें से रास्ते निकलते हैं और उद्देश्य पूर्ति होती है। समाज छोड़कर अगर निकल गए तो कोई समाज काम आप नहीं कर सकते। आप अपना काम जरूर करवाएंगे समाज से, मैंने कहा आप अपनी सेवा करेंगे, समाज की सेवा आप नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बहुत आवश्यक गुण है। मैंने आपसे कहा कि घर बनाया, परिवार बनाया, माने आप समाज में आए, अब समाज के साथ रह के ही आपको करना है, उसी में ठीक से नियोजन करना है। भगवान राम चाहते तो सीता को छोड़ के चले जाते और कहते मुझे यही करना है, अब छोड़ो। हम तो उनसे सीखे, 14 साल रखा साथ में, दुख हुआ, सुख हुआ, तकलीफ हुई, जो भी हुई, लेकिन वो साथ में रहकर ही सब किया हुआ। आप भी अपने मन में से ये निकाल देना कभी भी, क्योंकि कभी कभी कुछ कार्यकर्ता मुझे खत लिख देते और फोन भी कर देते हैं, राजीव भाई घर छोड़ दूं क्या, घर में पटता नहीं, बीवी मना करती है, मैं ये करना चाहता हूँ, झगड़ा होता है, अभी क्या करने का। तो मैं उसको कहता हूँ कि व्यसन मुक्ति का काम बंद करने का, पहले घर का काम करने का, क्योंकि जो बताया है घर तो पहले उसको चलाना। जब ये ठीक से घर का काम होने लगेगा तो व्यसन मुक्ति का भी होने लगेगा। घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, आई बाबा को छोड़ के,
पत्नी बच्चों को छोड़कर कुछ करना हो, ये तो बिल्कुल सोचने का नहीं। फिर अभी कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे बार बार पूछना शुरू किया, गुरुकुल कभी बनता है? अभी ठीक है, बनता है, हम बच्चों को छोड़ के लग जाएंगे। मैंने कहा बहुत खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक है। मैंने गुरुकुल इसके लिए थोड़ी बनाया कि हम अपने बच्चों को वहां भर्ती करके लग जाएंगे, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, ये करने का नहीं है। बच्चों को अगर रखा है तो अपने साथ ही रखने का, कारण मैं बताता हूँ उसका। गुरुकुल बहुत अच्छा है, मैं आपको कल्पना करके बता सकता हूँ कि हम 8 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिया, इतना अच्छा बना है, सब तरफ से अच्छा है, लेकिन वो आई बाबा की पूर्ति नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा है गुरुकुल, भोजन बहुत अच्छा है, गाय बहुत अच्छी है, दूध मिलता है, भात भी अच्छा मिलता है, भाकरी भी अच्छी मिलती है, सब अच्छा मिलता है वहाँ खाने को, लेकिन आई बाबा नहीं मिलते, वो कहाँ से लाऊंगा मैं। और बच्चे को गुरुकुल से जास्ती आई बाबा की जरूरत होती है, तो हमने गुरुकुल बनाया है और उसको हम चलाने वाले भी हैं उन बच्चों के लिए जो गुरुकुल के बिल्कुल बाजू में रहते हैं। जहाँ हमने गुरुकुल बनाया उसके बाजू में 19 गाँव है, 19 गाँव में एक भी शाला नहीं है, तो वहाँ के विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, और वो गरीब इतने हैं कि मुंबई में भेज के पढ़ा नहीं सकते, मुंबई वहां से 100 किलोमीटर दूर है, थाना वहां से 60 किलोमीटर दूर है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि बस से बच्चों को भेजें, तो वो अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, शिक्षा से मतलब ज्ञान नहीं मिल पाता, हस्ताक्षर करना शिक्षा नहीं होती है, ज्ञान लेना। तो हमने गुरुकुल उनके लिए खोला है और सबसे ज्यादा हम उन्हीं विद्यार्थियों को लेने वाले हैं। और वो क्या है, सवेरे आएंगे शाम को जाएंगे, कुछ विद्यार्थी वहां ऐसे होंगे जिनके आई बाबा है नहीं, तो वो गुरुकुल में रहेंगे, उनके लिए हॉस्टल बनाया है, उनके लिए छात्रावास बना है। लेकिन गुरुकुल इनके लिए नहीं बनाया कि कराज का कोई बोलता है मेरे बच्चे को रख लो, उसके लिए नहीं है गुरुकुल, गुरुकुल है नजदीक के विद्यार्थियों के लिए। नहीं तो आप सोचोगे कि हम तो भर्ती करें और हम व्यसन मुक्ति का काम नहीं होने वाला, उसमें दो तकलीफ आएगी, पहली तकलीफ तो आपको आएगी, दूसरी उस बच्चे को आएगी, क्योंकि 3-4 घंटे तो वो पढ़ लेगा, फिर उसको आई चाहिए बाबा चाहिए तो वो है नहीं, और अध्यापक आई बाबा हो नहीं सकते, अगर सब अध्यापक आई बाबा होते तो आई बाबा की जरूरत नहीं थी। बच्चे को सबसे जाती परिवार का जो चाहिए वो तो वहाँ नहीं मिलता है, इसलिए हमारी तो ये इच्छा है कि जो नजदीक वाले हैं वो सवेरे आए शाम को जाए, अपने आई बाबा के साथ मजा करे, दिन में गुरुकुल में रहे शाम को वहां जाए, और जिनके आई बाबा नहीं है वो हॉस्टल में रहें, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन जिनके पास ये व्यवस्था है तो आप इतना दूर अपने बच्चों को वहां भेजें वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि थोड़े दिन बाद क्या तकलीफ आएगी वो बताता, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, थोड़े दिन के बाद वो आपके घर ही नहीं आएंगे, वो कहेंगे गुरुकुल अच्छा, क्योंकि वहां थोड़ी सुविधा ज्यादा है, सुविधा कैसी ज्यादा है, वहां पंखा अच्छा है, फर्श बहुत अच्छा है, उसमें संगमरमर लगा हुआ है, फिर ऐसा है, और आपके घर में ये शायद नहीं हो, तो वो फिर परिवर्तन वो देखेंगे, देखो अपने घर में ऐसा नहीं वहां ऐसा है, अपने घर में ऐसा नहीं वहां ऐसा, अपने घर में ऐसा नहीं वहां ऐसा, ये जो उन्होंने करना चालू किया तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो फिर अंत में लगेगा हमारे आई बाबा खराब है, वो इतना भी नहीं कर सकते, फिर अंत में आपका घर टूट जाए, तो गुरुकुल घर टूटने के लिए नहीं बनाया है, अंत में यही होता है। ज्यादातर बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ते हैं ना वो सब आई बाबा से दूर हो जाते हैं और फिर जिंदगी में इतने खराब काम करते हैं, तो बच्चे को आई बाबा की सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर उसके आजी आजोबा की जरूरत है, फिर और जो पड़ोसी है उनकी जरूरत है, और उन सब की जरूरतों को कोई दूसरी चीज पूरी नहीं कर सकती। इसलिए आप कोशिश ये करो कि आपके गांव के नजदीक गुरुकुल बनाओ, नजदीक जहां बच्चे पढ़ सके वापस अपने घर आ सके। और बच्चों को पास रखने की दो तरह की जरूरत है, आई बाबा को भी और बच्चे को भी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चा जो होता है ना वो आई बाबा का सबसे बड़ा मेडिसिन है, औषधि है, उससे बड़ी औषधि दुनिया में कोई नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इलाज करता हूँ ना, चिकित्सा। मेरे पास जब ऐसे लोग आते हैं जिनको 10 बरस शादी को हो गया, 15 बरस शादी को हो गया, बच्चा नहीं है, उनकी तड़प मैं समझता हूँ, वो कितने परेशान हो, कहाँ कहाँ जाते हैं, हजारों मील दूर किसी मंदिर में मस्जिद में मन्नत मांग रहे हैं, एक बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए मेडिसिन का काम करता है। मेडिसिन क्या होती है, देखो सारी बीमारियां जो है ना मन से शुरू होती है, शरीर में बाद में आती, माइंड से सब कुछ शुरू होता है, शरीर में बाद में आता है। अभी जैसे आपको बहुत तनाव आ गया, कोई कारण से, कुछ कारण से तनाव आता है जीवन में, गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, तनाव, तो कोई कारण से बहुत तनाव आ गया, कोई कारण से बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन आपके घर में कोई बेटी या बेटा है, कितना भी तनाव हो कितना भी गुस्सा हो वो अगर हंसते हुए आपके सामने आ गया तो सब तनाव खलास, गुस्सा भी खलास है मेडिसिन के लिए। जो काम करने में मेरी औषध को 3 दिन लगता है वो आपके बेटा या बेटी ने 1 मिनट में करे। तो बच्चे को आई बाबा की जरूरत है, आई बाबा को बच्चे की जास्ती जरूरत है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं
आपस में झगड़ा करते हैं पति पत्नी, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इतना झगड़ा होता है कि कोई कल्पना नहीं है। लेकिन डाइवोर्स नहीं होता, तलाक नहीं होता, क्योंकि बीच में एक बच्चा रहता, वो दोनों को पकड़ के रखता। बहुत झगड़े होते हैं, इतने झगड़े की कल्पना नहीं हो सकती। वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगी, और खराब से खराब गाली, फिर भी तलाक नहीं होता। उसका मैं आश्चर्य से पूछता हूँ क्यों नहीं होता? मारपीट भी होती है, फिर भी तलाक नहीं होता, क्योंकि बीच में एक बच्चा है जिसने पकड़ रखा दोनों। वो रेलवे लाइन होती है ना, दो अलग अलग है, लेकिन बीच में वो स्लीपर है, वो लकड़ी का लगा रहता है ना, बोल्ट से जुड़ा रहता है। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे। तो आई बाबा को पकड़ के रखने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है, और ना सिर्फ वो पकड़ के रखते हैं बल्कि सुधारना करते हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ, वो अंग्रेज था, लेकिन उसका ज्ञान बहुत अच्छा था। उसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हाँ, बहुत ऊंचा विद्वान आदमी था। मैं उसकी इज्जत करता हूँ क्योंकि उसकी विद्वता ऊंची थी, इसलिए नहीं कि वो अंग्रेज था। उसने बहुत अच्छी बात कही और मैंने इस पर बहुत चिंतन किया। उसने अंग्रेजी में कहा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चा जो है ना अपने माँ बाप का बाप है। मैंने आई बाबा का आई बाबा जो ही है वो बच्चा है। क्या होता है, कई बार पति पत्नी जो है ना ऐसी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं जो मूर्खतापूर्ण होती हैं, लेकिन बच्चे उनका समाधान कर देते बहुत अच्छे से कर, फिर उनको बाद में समझ में आता क्या मूर्खता की बात थी जिसपे झगड़ा किया। तो ऐसे समय में हमेशा हमको उनकी जरूरत होती है। तो बच्चों को हमारी जरूरत है वो ठीक है, हमको उससे जास्ती उसकी जरूरत है, क्योंकि हमको सुधारणा होनी है, और वो सुधारणा हर समय होती है, हर समय होती है। कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ शर्मिंदा हो सकता है तो अपने बच्चों से ही होता है। सबसे ज्यादा ईमानदारी, दूसरों के साथ तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार करता है लेकिन अपने घर में नहीं कर पाता है। मैंने पता नहीं एक बार आपको बताया कि नहीं, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, वो सांप देखा है, सांप ऐसे ऐसे घूम के चलता, सड़क में जाएगा, रास्ते में जाएगा, इतना टेढ़ा मेढ़ा जाता, कितना टेढ़ा चलता, कभी कभी तो इतना टेढ़ा कि 8 का अंक बनाता है अंग्रेजी, इतना टेढ़ा। लेकिन अपने घर में घुसता है तो एकदम सीधा जाता है कि नहीं, देखा है कि बिल्कुल ऐसा ही चाहिए कार्यकर्ता। घर के बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले लेकिन घर में घुसे तो एकदम सीधा चाहिए, तभी वो सच्चा कार्यकर्ता है। सीधा चाहिए माने उसके घर में जो आई बाबा है, बेटे बेटी है, पति पत्नी है, उसके साथ एकदम उसको सीधा होना चाहिए। ये सांप से सीखने की जरूरत है। ये जो प्रकृति है ना, इसमें जो भी पशु पक्षी है ना, इन सबसे सीखने को मिलता है। तो सांप जो सबसे खतरनाक हम मानते हैं, उससे भी ये सीखने को मिलता है कि घर में जाओ तो बिल्कुल सीधे, वहाँ कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, क्योंकि घर में कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जिनके सामने तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा नहीं। एक तुम्हारी आई और तुम्हारी पत्नी, दोनों के सामने टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। हाँ, और उसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है कि यही 2 ऐसे व्यक्ति हैं, एक आई और पत्नी, जिसने आपको बहुत बार बिल्कुल नंगे देखा है और आप उसके साथ कुछ छुपा नहीं सकते। इसलिए ये कहा गया है कि घर में जाओ तो बिल्कुल सीधे जाओ, बाहर कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो चलेगा घर में नहीं। तो घर को संभालते हुए, संवारते हुए, आगे बढ़ाते हुए, बेटे बेटियों को पालन करते हुए, सब काम करते हुए ये करने का है। मन में ऐसा कोई आप बात लाएं कि भाई ये इससे छूट मिल जाए, घर छूट जाए या बेटे बेटी छूट जाए, तो फिर वो तकलीफ आएगी। और मैं आपको पूरी विनम्रता से लेकिन बताता हूँ दृढ़ता से कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोग, 1-2 की बात नहीं करता, हजारों की बात करता, बहुत बहुत तेजस्वी, बहुत तपस्वी, बहुत धैर्यशील, क्षमाशील, बहुत अभ्यासु, लेकिन यहाँ एक फ्रंट पे कमजोर, जीवन पर्यंत कुछ नहीं कर पाए, और अंत में उनको शून्य ही हाथ में लगा। तो ये शून्य आपके हाथ में आए भविष्य में, ऐसा होना नहीं। तो इसके लिए सब काम करते हुए नियोजन के साथ समयबद्ध होकर आपको ये करने का है। तो ये कार्यकर्ता होने की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपसे बताई।